कभी राम मंदिर आंदोलन के पोस्टर बॉय के तौर पर चर्चित कल्याण सिंह ने एक बार फिर पॉलिटिक्स में कमबैक किया है। अपने दौर के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार कल्याण सिंह की गिनती यूपी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती है। सूबे की सियासत में शिखर तक का सफर तय कर चुके कल्याण सिंह का बीजेपी में आना जाना चलता रहा। पार्टी में फिर से शामिल होने से पहले वो राजस्थान के राज्यपाल थे। कार्यकाल खत्म हुआ तो फिर पार्टी में पारी शुरू कर दी। 1991 में कल्याण सिंह पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। राज्य की सत्ता में शीर्ष तक पहुंचने से पहले उस पहलू को भी समझना होगा जिसने कल्याण सिंह को कल्याण सिंह बनाया। याद कीजिए अयोध्या में मंदिर आंदोलन का वो दौर जब राज्य में मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी। मंदिर का मुद्दा पूरे देश में तेजी से उभर रहा था। उसी दौर में अयोध्या में कार सेवा के लिए जुटे वीएचपी और दूसरे हिंदूवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस गोलीबारी हुई जिसमें कई कार सेवकों की मौत हो गई। इसी दौर के बाद बीजेपी को राज्य में एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो मुलायम की काठ साबित हो सके। कल्याण सिंह के तौर पर पार्टी को यह चेहरा मिल गया। उस दौर में वापस लौटे तो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कल्याण दूसरे ऐसे बीजेपी नेता थे जिनकी सभाओं के लिए भीड़ जुटती थी। कल्याण के भाषण देने का उग्र अंदाज लोगों को भा गया। बाद में कल्याण सिंह बदले राजनीतिक हालात के बीच सूबे के सीएम बने, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ तो कल्याण आलोचना के घेरे में आ गए। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरे दिन यानी 7 दिसंबर 1992 को केंद्र ने यूपी की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद की राजनीति कल्याण सिंह के लिए बहुत आसान नहीं रही। कभी पार्टी की आंखों का तारा रहे तो कभी किरकिरी बन गए। पार्टी में आने जाने का सिलसिला चलता रहा। जरूरत पड़ी तो राजनीति में जिन मुलायम सिंह को कट्टर दुश्मन मानते थे उनसे भी हाथ मिला लिया। अब कल्याण सिंह की राजनीति में वो चमक नहीं रह गई है जिसकी धमक का गवाह कभी पूरा देश रहा। ऐसे में उनकी नई पारी का कितना असर दिखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये जरूर तय है कि अयोध्या केस का साया एक बार फिर उन पर मंडरा रहा है, क्योंकि राज्यपाल होने के नाते मुकदमे से जो इम्यूनिटी उन्हें मिली हुई थी वो अब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।